हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो ये मॉर्निंग में मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। मैंने दूध भी गर्म कर लिया है मेरी बेटी का, जिसमें मैं दूध में हल्दी, थोड़ी सी शुगर, कार्डमम पाउडर और ड्राई फ्रूट पाउडर डालती हूँ। वो डाल के मैं दूध बना लेती हूँ उसके लिए। और यहाँ पे मैं टिफ़िन की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज बैंगन की सब्ज़ी दे रही हूँ ड्राई सी। तो तेल में मैंने राई, जीरा, लहसुन डाल दिया है, फिर बैंगन डाल दिए। बैंगन को मैंने पानी में काट के रख दिया था, क्योंकि बैंगन हो गया, आलू हो गया, ये अगर हम कट करके रख देते हैं सिर्फ तो वो काला पड़ जाता है, इसलिए उसको पानी में डाल के रखना पड़ता है। फिर मैंने ड्राई स्पाइसेस डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल सी बना रही थी। और थोड़ा सा मैंने तेल ज़्यादा डाला था, क्योंकि जो टिफ़िन की सब्ज़ियाँ रहती हैं वो एकदम एकदम रूखी सूखी सी नहीं हो जानी चाहिए रोटी के साथ खाने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब ऑयल ज़्यादा यूज़ किया, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है चटपटी सी सब्ज़ी। ये मैंने उसका दूध दे दिया है और एक पराठा भी बना लिया है और टिफ़िन भर दिया है मैंने। फिर यहाँ पे अब मैं हमारे सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ थोड़े से अलग वे में। तो आधा मटर मैं पीस के डालूंगी और आधा मटर वैसे ही डाल दूंगी। तो पहले पीसने के लिए मैंने पहले मसाला भूनना चालू कर दिया है। तो मैंने तेल में डाला है अदरक, लहसुन, मिर्ची और मटर, और मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और फिर इसको पीस लिया है ठंडा होने के बाद। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल के ये मसाला डाल दिया है, वो हमने रोस्ट कर लिया था। और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको रोस्ट किया हुआ है। तो और फिर उसमें मैंने डाल दिया है नमक और गरम मसाला और हल्दी डाल दी है, और फिर मैंने पानी ऐड कर लिया है और उसमें मैंने मटर डाल दिए है। तो अब ये सब्ज़ी अच्छे से कुक हो जाएगी। अब इतना ओवरडोज हो गया है मटर का इस सीज़न में कि समझ में नहीं आ रहा है मटर की सब्ज़ियाँ कैसे बनाएं। आलू मटर, मटर पनीर थोड़ा बोर हो गया है, इसलिए मैंने आज थोड़ा डिफरेंट वे में बनाया। और रात का थोड़ा सा राइस भी था, तो मैंने तवे पे उसको फ्राई कर लिया और यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली है। फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ी सी बर्थडे प्रिपरेशन में लग गई। मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है 5 फरवरी को, तो मैं यहाँ पे वूल से छोटे छोटे पॉम पॉम बना रही हूँ। और मैंने फाई शेप बनाया है कार्डबोर्ड से बड़ा, तो मैं उसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। और ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब छोटे छोटे पॉम पॉम्स बनाना, और फाई का शेप काफ़ी बड़ा था तो बहुत सारे लगने वाले थे, इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। तो मैंने डिनर मतलब मेरी बेटी को बहुत ही सिंपल सा रोटी, मतलब दोपहर का डो था थोड़ा सा, तो एक रोटी बना दी है और शेव दे दिए थे। सो इट्स ओके, हम लोग भी कोई सुपर मॉम्स या सुपर वुमेन नहीं है, मतलब टायर्ड हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी मैनेज करना ही पड़ता है। और ये हमारे लिए मैं शेवड़ियाँ बना रही हूँ, ये हम लोग मशीन से बनवा के लाते हैं गेहूँ की। तो फिर आपको इसको सिर्फ पानी में उबालना पड़ता है और बहुत जल्दी उबल जाता है, मतलब 5 मिनट में ही के अंदर उबल जाएगा। इसमें दूध और शक्कर डाल के खा सकते हैं और बहुत यम्मी लगता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो, बाय गाइज़।